ओट्स के डोसे, और मैंने इसे सर्व किया है पीनट चटनी के साथ, जो बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत टाइम से मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, तो आज मैं फिर एक हेल्दी सी रेसिपी लेकर आपके सामने आ गई हूँ। और कहते हैं ना कि भाई एब्स हमारी किचन में बनते हैं, ना कि जिम में। जिम में आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक आप हेल्दी खाना नहीं खाएंगे आप फिट नहीं हो सकते। तो एक बहुत ही हेल्दी सी ओट्स की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट से रेसिपी देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैंने ये पैन रख दिया गरम होने के लिए, और मैं इसमें डाल रही हूँ ये धनिया, खड़ी धनिया, और एक चम्मच जीरा, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी ये ग्रीन चिली। इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और इसमें ही मैं डाल दूंगी एक इंच ये अदरक का टुकड़ा। इसको 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे ओट्स। एक बाउल लिया है मैंने, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको बनाना उतना ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको, बस ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट 1 मिनट, और इसके बाद हम इसे करेंगे ग्राइंड। इसमें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिएगा, गरम गरम मत पीसिएगा। थोड़ा पाउडर सा हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे दही इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को और बढ़ाने के लिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये रवा। रवा की जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। जितना आपने ओट्स लिया था उसका आधा आपको रवा लेना है। थोड़ा सा पानी, एक्चुअली बहुत वाटरी नहीं होना चाहिए। इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए ये कुछ मेरे पास पालक के फ्रेश पत्ते हैं, मैं इनको भी ले रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ। इसको भी ग्राइंड कर देंगे। बैटर ऐसा होना चाहिए, ऐसा अच्छा मिक्सचर बन गया। अब मैं इसे एक बाउल में खाली कर लेती हूँ। और ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, और हम इसे ढक के 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, बिकॉज हमने जो इसमें रवा डाला है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है फूलने के लिए। और 10 मिनट के बाद मैं इससे बहुत टेस्टी क्रिस्पी चिल्ले बनाने वाली हूँ। तो 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के बाद हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ऐसा हो गया है, इसको और पतला करने की ज़रूरत नहीं है, इसी टाइप का होना चाहिए। अगर आपका आपने बनाया और वो थोड़ा सूख गया तो थोड़ा पानी डाल लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, ये थोड़ा गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें, इसको बहुत तेज़ गर्म नहीं रखना है नहीं तो चिपकने लगता है, इसको ऐसे डाल लेंगे, डोसे की तरह फैला लेंगे, और साइड से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे पकने देंगे। ये बहुत ही हेल्दी है, ओट्स के बहुत सारे फायदे होते हैं हम सभी जानते हैं। तो अगर आप वैसे भी, आप लंच में, आप ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को बना सकते हैं, या आपको कभी हल्की फुल्की भूख हो और समझ ना आ रहा हो क्या बनाएं, तब आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप इसके छोटे छोटे से पैनकेक्स टाइप बना के, छोटे छोटे से चिले बना के बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और बस उनके लिए चिली थोड़ी कम डालिएगा, तो ये हेल्दी है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए तो है ही है।
तवा अगर बहुत गर्म हो जाए तो गर्म तवे में मत डालिएगा, इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क के इस तरीके से ठंडा कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके डोसे चिपक जाएंगे। तो ये हमारे हेल्दी से टेस्टी ओट्स डोसा कहिए आप चिला कहिए, ये फटाफट तैयार हो गए। बहुत ही क्विक रेसिपी है, मैंने इसे सर्व किया है पीनट चटनी के साथ। होममेड पीनट चटनी है, आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप तो हेल्दी नहीं होता है, पर आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।